ऊना में महिला के हत्यारे ससुराल वालों को उम्र कैद की सजा। हत्या कर लाश के पैर में पत्थर बांधे नदी में फेंक कर भाग गए थे। जिले के धरनावदा इलाके में वर्ष 2019 में 35 वर्षीय महिला की हत्या के मामले में उसके ससुराल वालों को कोर्ट ने सजा सुनाई। आरोपियों ने महिला की हत्या कर उसके पैर में पत्थर बांध कर शव को नदी में फेंक दिया था। ससुराल वाले इस घटना के बाद से ही गायब हो गए थे। कोर्ट ने आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मामले में फैसला चतुर्थपर सत्र न्यायाधीश मोनिका आध्या ने सुनाया। वहीं शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक आशा किरण कौर ने की। मामला वर्ष 2019 का है, जहां धरनावदा पुलिस को सूचना मिली थी कि इमलिया गांव के पास पार्वती नदी में एक महिला की लाश पड़ी हुई है। सूचना पर से पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को बाहर निकलवाया। लाश 4-5 दिन पुरानी लग रही थी। वो किसी 30 या 35 वर्ष के बीच की महिला की बताई जा रही थी। महिला के दोनों पैर साड़ी से बंधे हुए थे और पैरों में एक पत्थर भी बांधा हुआ था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। महिला की शिनाख्त विदिशा की रहने वाली संगीता यादव के रूप में हुई। उसकी शादी धरनावदा इलाके के रत्नगिर में ब्रजेश यादव से हुई थी। महिला के भाई ने पुलिस को बताया कि उसकी बहन, जो ससुराल वाले परेशान करते थे, पुलिस ने उसके ससुराल वालों के घर पहुंचकर तलाश की तो वहां कोई भी नहीं मिला। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या और साक्ष्य छुपाने की धाराओं में मामला दर्ज किया। बयानों में ये सामने आया कि ससुराल वालों ने ही उसकी हत्या की। पुलिस ने मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 4 आरोपियों को दोषी माना। कोर्ट ने 3 आरोपियों पर हत्या और साक्ष्य छुपाने की धारा में दोषी के आरोप लगाए, वहीं 1 आरोपी को साक्ष्य छुपाने का दोषी करार दिया। कोर्ट ने ब्रजेश यादव, शांतिबाई और अजबबाई यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी भैयालाल को 4 वर्ष की सजा सुनाई। कोर्ट ने सभी पर कुल 27,000 का जुर्माना भी लगाया।